सो व्यूअर्स, ये देखें गाड़ी बंद कर दी है, उसके बाद भी रेयर और फ्रंट लाइट जल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सेंसिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस गाड़ी का आपके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं, ये है होंडा वेजल। वेजल का पहले मैंने एक्स प्ले का रिव्यू किया था, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ और लेदर सीट्स नहीं थी। आज जिसका रिव्यू कर रहा हूँ, ये फुल ऑप्शन जेड प्ले है। चेक करते हैं कौन कौन से फीचर आए हमारे से, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस गाड़ी का आपके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं, ये होंडा वेजल नई शेप 21 मॉडल, और इस गाड़ी की डिटेल्स वगैरह शायद नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, सबसे पहले मार्केटिंग कर लें। अब इस गाड़ी की बात स्टार्ट करते हैं। होंडा वेजल लेटेस्ट जनरेशन, लेटेस्ट शेप, जो पाकिस्तान में है वही पूरी दुनिया में। होंडा वेजल में टोटली पाकिस्तान में अब नई वाली में मैंने जो देखे हैं वो दो देखे हैं, एक्स और जेड। ये जेड एच ई वी प्ले है। लुक्स की बात की जाए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस लुक है, बहुत ज़्यादा एडवांस लुक है। आपको कहीं से फील नहीं होता कि ये बिल्कुल ही कोई बेसिक गाड़ी है या कोई लग्जरी गाड़ी है, एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। अगर वैसे बात की जाए कलर की, तो ये ज़रा कलर मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि कलर का नाम क्या है, तो आप ही मुझे बताइएगा। लाजमी पर्ल वाइट तो नहीं है, ना पर्ल ग्रे है, ना सिल्वर है, मुझे लाजमी बताइएगा। अगर वैसे बात की जाए लाइट्स की, जिनोन लैम्प्स है अलॉन्ग विद डी आर एल चलता है साथ साथ। लाइट्स की बीम बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कि आप जैसे ही अभी आप ऑन करके मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है जो कि ये शो करती है गाड़ी इलेक्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिक मीन हाइब्रिड, नॉट पूरा चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक। पार्किंग सेंसर, नीचे आपको फोग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन फोग लैंप्स की प्लेसमेंट मतलब उस जगह पे एज अ फोग लैंप आप एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी फ्रंट आप लुक देखें तो वो बड़ी प्यारी है, और एरोडायनामिकली बहुत एफिशिएंट गाड़ी है, अपनी लीग में सबसे ऊंची, मतलब सबसे ज़्यादा हाइटेड ये गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा अच्छी इस गाड़ी की अपनी लीग में। यहाँ पर आपको 18 इंच का अलॉय रिम मिल जाएगा। रिम की बात की जाए, स्पोर्टी व्हील है, असल में ये 5 स्पोक नहीं है, ये है 10 स्पोक, लेकिन ये जो सिल्वर लाइनिंग आ रही है ये इसको 5 स्पोक बनाती है। 360 कैमरा, रेड लाइनिंग, पैनोरामिक सनरूफ, शार्फिन एंटीना, कामयाबी की जमानत। उसके साथ साथ रेयर सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाड़ी का रेयर। पिछली लाइट इसकी टोयोटा हैरियर से मिलती जुलती हैं, जो कि अच्छी बात है। जापानी हैं दोनों ब्रांड, जैपनीज हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पीछे भी पार्किंग सेंसर है, EHEV जेड प्ले है। ये पीछे से ज़रा इसकी लुक थोड़ी सी ना ज़रा इतनी वो खूबसूरत, लाइट्स वगैरह तो हैं लेकिन ये थोड़ा सा जो नीचे हो रही है ना, ये ज़रा थोड़ा सा क्रॉस ओवर की लुक को थोड़ा सा ख़राब करता है। लेकिन अगर आपने इस पर अच्छे रिम्स लगाए हुए हो तो ये बहुत बेहतर लगेगी। लाइट्स चेक करें, सबसे खूबसूरत इस गाड़ी के अंदर जो फैक्टर फीचर के बाद वो इस गाड़ी की लाइट्स का है। लाइट इस गाड़ी की बहुत प्यारी है। एक बार लाइट है जो DRL के अलोंग जलती है, जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया था ईट्रॉन ने, उसके बाद हैवल S6 ने, उसके बाद सोनाटा ने, इसी तरह 3-4 गाड़ियों के बाद होंडा इसको यूज़ कर रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि इम्प्रेस्ड बाय दीज कार्स, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड हो गया है बार लाइट। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको रेन सेंसर फ्रंट पे मिल जाएंगे, उसके पीछे शार्फिन एंटीना, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, रेयर वाइपर। लाइट की मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ कि आप लाइट देख रहे होंगे कितना खूबसूरत व्यू आता है इन अ डे लाइट और इन अ इवनिंग और इन अ नाइट। बाकी माशाल्लाह इस गाड़ी की लुक देख लें आप, माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, ये नई वेजल की चाबी है, चाबी का इतना फ़र्क नहीं आया, माशाल्लाह। जैसे आप अनलॉक करते हैं DRL ऑन हो जाता है, ये रात के मुताबिक सही DRL ऑन होता है। आप अंधेरे वगैरह में हैं तो आपको चलने के लिए आसानी हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर डोर पैनल की बात की जाए, पावर विंडोज़ हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन का आपको इसमें इंटीरियर मिल जाएगा, माशाल्लाह। पहले आप इंटीरियर चेक करें, ये देखें। नई सिविक भी इसी से इम्प्रेस बाय है, लेकिन क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो व्यूअर्स, इसमें आपको ट्रंक ओपन मिलता है, उसके अलावा ड्राइविंग पायलट मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलती है, पार्किंग सेंसर इस टाइम ऑन है क्योंकि गाड़ी शोरूम पर खड़ी हुई है। ये सारे फीचर आपको यहाँ मिलेंगे। सो व्यूअर्स, अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो मल्टी मीडिया डुअल साइड पे आपको मिलेगा। इसमें इतने फीचर हैं, वेजल ने अपनी वो क्लास अभी तक बहाल रखी हुई है जिस तरह पिछली वेजल में था। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, वेल एंड गुड।
वॉइस एक्टिवेशन है बहुत बेहतर है, उसके साथ साथ साउंड चेंज करने के लिए। इधर बात की जाए तो आपको लेन असिस्ट, उसके साथ साथ क्रूज कंट्रोल, हीटिंग स्टीयरिंग मिलेगा, और ये ग्लॉस ब्लैक के साथ आपको स्टीयरिंग का नीचे वाला आर्म मिलेगा, लेदर स्टिच्ड है। तो ये देखें जी पुश स्टार्ट सिस्टम, आप तो आपको पता है स्टैंडर्ड हो गया 2017 के बाद जापान में भी और पाकिस्तान में भी, जापान में तो खैर पहले से था, यहाँ पर आपको मिलता है स्टीयरिंग के अंदर आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, जो कि बिल्कुल सिविक की तरह, लेकिन सिविक में आरपीएम और स्पीडोमीटर है, और एनालॉग डिजिटल दोनों इसमें भी यही कुछ है, लेकिन इसमें एक पूरी साइड आपको मिलती है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन क्लस्टर, ये देखें। बाकी गाड़ी 0 मीटर 1042 चली है। एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करता चलूँ, काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन होती है, गाड़ी 1000 से नीचे चली हुई हो ना तो 0 मीटर ही काउंट की जाती है, ये पाकिस्तान की मार्केट का रूल नहीं है, वर्ल्ड वाइड मार्केट का ही रूल है। एलईडी की बात की जाए तो यहाँ से आप पहले तो यहाँ की बात कर लेते हैं, मीटर की इल्यूमिनेशन लाइट कम हो गई, अब मैं इसको यहीं से बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखें। उसके साथ साथ डिफॉगर के साथ आपको यहाँ कैमरे का बटन मिल रहा है, ये कैमरा मैं यहाँ से चला के देख, 360 कैमरा है। उसके अलावा ये देखें, ये देखें, हर चीज़ माशाल्लाह क्लियर एंड स्पेसिफाइड है। अब मैं होम का बटन दबाता हूँ, टच है लेकिन उस सेंस में टच नहीं है, जैपनीज लैंग्वेज में ही है सारा, बाकी एंड्रॉयड वगैरह वाला चक्कर नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, कलर कम्बिनेशन इंटीरियर का इन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया है, और ये फुल ऑप्शन जेड प्ले है, जैसे पैनोरामिक भी होती है, जो मैंने पहले किया था वो EHEV-X थी रेड के साथ। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं, सिंगल जोन ही है, लेकिन उसकी जो एसी है ना ये बहुत बेहतर और बहुत मज़ेदार है इसका एसी, रीज़न बीइंग कि एक हाइब्रिड गाड़ी है तो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा एसी है। यूएसबी कनेक्टिविटी, चार्जिंग की कनेक्टिविटी, और यहाँ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। सो व्यूअर्स, अगर बात की जाए इधर की तो ये पूरा ऑडी की तरह का, लेकिन ये बंद है। उसके साथ साथ ये देखें, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, शायद हो सकता है आईफोन के लिए हो, 12 वाट का चार्जिंग आउटलेट है। उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। उसके साथ साथ EPB, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, डाउन हिल असिस्ट सिस्टम, और ब्रेक होल्डर, दो कप होल्डर यहाँ भी हैं, और यहाँ पे कुछ आपको स्पेस मिलता है, अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वैनिटी मिरर विद लाइट, यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती हैं, रीडिंग लाइट्स, और इधर भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट होपफुली मिलेगा। क्वालिटी अगर बात की जाए ना तो लैंड क्रूजर ZX के टाइप की क्वालिटी इन्होंने दी है, रूफ की, ये सिविक में भी दी है RS में। सो व्यूअर, इस गाड़ी का सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा है वो है इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ। पैनोरामिक डजन मीन जिस तरह हमारे यहाँ स्पोर्टी टूसोन MG के अंदर आती है कि पूरी छत हटा के वो कह देते हैं पैनोरामिक, असल में पैनोरामिक मर्सिडीज के रेफरेंस ज़्यादा यूज़ होता था, उसका मतलब ये होता था कि दोनों जो सनरूफ हैं वो एक्ट एज अ एक ही करेंगी, लेकिन अलहदा अलहदा होंगी, जो कि एक ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है, और वो आपको इस गाड़ी में नज़र आ रहा होगा। अगर ये पूरा खुल जाए वो भी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा, और ये सन शेड्स इसमें लगे हुए हैं, वो जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ रैपर, वो इसमें लगा हुआ है, सनलाइट अंदर ना आए, जिसका मतलब ये है कि गर्मी में भी अगर आप पैनोरामिक रूफ इस तरह हटा के यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपके एसी की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। एवरेज के बारे में क्या ख्याल है आपका? एवरेज इस गाड़ी की तकरीबन 22 से 24 के अराउंड है। ठीक है, ये एक आपका एक अंदाजा है, ये मतलब एक एक्सपर्ट ओनर रिव्यू नहीं है, 60 तक बैटरी पे चलती है। ठीक हो गया। तो मुनीब, कैसी लगी आपको ये गाड़ी?
सुपर्ब, बहुत आला। ठीक है, और इसके कंपटीशन में आप किसको देखते हैं? कंपटीशन में आजकल तो प्राइस ब्रैकेट में क्रॉसओवर तो अब सारी इसके उसमें आ गई हैं। सही। इसका मैंने आज से 6 महीने पहले रिव्यू किया था। ठीक है, वो एक्स प्ले था, उसमें मतलब पैनोरामिक सनरूफ नहीं था। सही। तो उस टाइम उसकी प्राइस थी 80 लाख, जीरो मीटर था वो भी। अब ये तकरीबन 1.10 करोड़ के अराउंड कॉस्ट कर रही है। 22 की जो इम्पोर्ट की गाड़ियाँ उसमें ड्यूटीज बढ़ गई। ठीक है, ये वीजल की बात कर रहे हैं। वीजल की बात, ठीक है। ये जेड प्ले है, ये तकरीबन 1.20-25 लाख की होगी। ठीक हो गया। और इसके जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में आपका क्या? वेरिएंट्स में पाकिस्तान में लोगों ने ज्यादातर शुरू से ही जेड और जेड सेंसिंग आपने सुना होगा, वो पसंद करते थे। ठीक है, पाकिस्तान में लोगों ने जो वेजल इम्पोर्ट की वो एक्स एच ई वी प्ले और जेड एच ई वी प्ले, ईवी स्टैंड फॉर हाइब्रिड। ठीक है जी। ठीक है, और यूटिलिटी के हवाले से? यूटिलिटी के हवाले से है तो 5 सीटर, लेकिन इसकी जो हाइट है, इसकी जो बैटरी के उसकी रेंज है, उसके अलावा फ्यूल एवरेज है, वो बाकी के सब गाड़ियों से अलग है, लेकिन इसका सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक हो गया। और एनीथिंग जो आप समझते हैं कि इस गाड़ी में जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसकी कंपटीशन के अंदर? सबसे बड़ी बात जो दुनिया में जनरेशन चल रही है वही मिल रही है हमें, सबसे बड़ी चीज है। सही, क्योंकि 200 स्पोर्टेज के केस में नहीं है। ठीक हो गया। यूट्यूब चैनल पर कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।